नहीं, मैं भी बोलूंगा, मैं बोलना चाहूंगा ये ना, ये जो एडवाइस जो आप बता रहे हो सही चीज है, क्योंकि हाँ। इसका फैन बेस ही अलग है। अच्छा, मतलब जो इसको पसंद करते हैं ना पल्सर को, हाँ। वो हमेशा इसको पसंद, और FI भी अच्छा होता है। हाँ। बट ये कार्बोरेटर होने के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, तो दोनों आप बता देंगे हमको? बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। हमारे सामने खड़ी है गाइस पल्सर, और बता दूं आपको, ये है ना पल्सर 2011 में लॉन्च हुई थी, और ये 2011 का ही मॉडल है भाई। अभी तक सिंगल हैंडेडली भाई इसको यूज़ कर रहे हैं, जिनके साथ हम ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। कंफ्यूज मत होइएगा आप, इसमें लिखा ज़रूर 150 है, लेकिन ये 180 पल्सर है, ये उन्होंने चेंज कराया था कुछ, अपन उन्हीं से पूछ लेंगे। तो ये काफ़ी बड़े फ़ैन भी हैं, और इनको पल्सर बहुत पसंद है भाई, तभी तो इन्होंने 12-13 साल हो गए अभी तक रख रखी है। तो इनसे ऑनरशिप रिव्यू जानते हैं पल्सर के बारे में। तो आइए जैद भाई। जैद भाई, मोस्ट वेलकम फिर से आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फैज भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे एक और बार आपने जो है अपने चैनल, हाँ वही मैं यही बताने वाला था कि देने का मौका दिया क्योंकि इसके पहले हम जैद भाई का एक ऑनरशिप रिव्यू कर चुके हैं सफारी का, जो कि भाई ने पूरे आधे घंटे नॉनस्टॉप बोला है उसमें, आप जाके देख सकते हैं उसको, मैं ऊपर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप, मैंने अकेले ही नहीं बोला उसमें, मुझसे ज्यादा नॉलेज आपने शेयर करी है, जो कि मतलब कुछ ऐसी नॉलेज भी आपने उसमें शेयर करी जो ऑलरेडी हम मुझे नहीं पता थी। नहीं नहीं खैर, आपने भी काफ़ी अच्छा बोला। तो आज अपन इसका ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो जैद भाई, जैसे कि आपने हमें बताया 2011 का मॉडल है, उस टाइम आपने परचेस करा था, तो अभी तक मतलब आपने इसको रख के रखा, मतलब 12 साल होने वाले होंगे लगभग, 12 साल होने वाले, जब तो मैं छोटा था और मुझे तब गाड़ी चलाना तो आती थी, बट ये मेरे फादर ने परचेस करी थी। मेरे फादर को भी उस टाइम में पल्सर, क्योंकि वो बहुत शौकीन रहे हैं पल्सर की गाड़ियों के, और अभी भी हैं जी, और उन्होंने ही जो है इसको परचेस किया था। हाँ। जैसे कि आप 2011 से इस को चला रहे हैं, सबसे पहले तो एक बात बताइए कि ये जो मैं पहले डाउट क्लियर कर दे अपन, ये भाई आपने बोला कि 150 है, 180 है सॉरी, लेकिन ये 150 ये क्या फंडा है? मतलब एक्चुअली इसका जो फंडा है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये 2011 की मॉडल है, मतलब जब ये लॉन्च हुई थी उसी टाइम हम लोगों ने ले ली थी। तो 2011 के बाद से कंटिन्यूसली ये जैसी थी वैसी हमारे पास रही, देन आखिर में थोड़ा सा बॉडी की जो है मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा जुगाड़ तुगाड़ करके कबाड़ खाने से देखी बॉडी, तो मुझे 180 नहीं मिली, 150 मिली, और वो सूटेबल थी, अच्छी थी, तो मैंने 150 लगा दी, क्योंकि किसी को क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से अच्छा मतलब ये आपने बॉडी उसकी लगा दी? हाँ, मैं आपको मतलब बहुत फनी चीज बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। ये जो आप आगे की बॉडी देख रहे हैं ये इसकी ओरिजिनल है, ये पूरी ओरिजिनल बॉडी है। हाँ, जैसे ये देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह भी आ गए। हाँ, खैर काफी पुरानी हो गई तो हाँ, इतना तो बनता है। तो ये ओरिजिनल है। हाँ। एंड ये 150 का लगा है, और ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ जो है ना, इस पे मैंने कलर करवाया, ये ब्लू कलर के थे, ये दूसरी गाड़ी के हैं। ये भी दूसरी के हैं? आपने दूसरी गाड़ी के हैं, ये दूसरी गाड़ी का, और ये इसी का है जो है आगे का जो मास्क वगैरह है। अच्छा, मेंटेन करने के तौर पे आपने जुगाड़ू काम करा लिया ताकि, तो जो ओरिजिनल था उसमें क्या खराबी आ गई थी, गिर गई थी या? हाँ, थोड़ा सा जैसे ये जो पैनल से ही टूट गए थे। अच्छा, मतलब कोई कई बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग आके टकरा गए या इस तरीके के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की वजह से जो। अच्छा, अब जैसे कि इंजन आपने बताया 180 सीसी है, तो थोड़े स्पेसिफिकेशन आप बताएंगे हमें? जैसा कि मेंशन करते हैं 180, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 178 सीसी का इसमें इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन DTSI। अच्छा, पावर फिगर बता सकते हैं आप, पावर फिगर कितनी मिलती है इसमें? 17 HP की पावर होती है और 14 Nm का टॉर्क होता है। अच्छा, तो जैसा कि उस टाइम पे जो है आप जानते हैं कि FI इंजन नहीं आते थे, तो ये कार्बोरेटर एयर कूल्ड इंजन है। भाई इसका वेट बता सकते हैं, इसमें वेट कितना आता है? इसकी फुल बॉडी वेट की बात करें तो 147 kg का इसमें मेंशन है। हाँ। और वही आता है। हाँ। और जब MT की बात करें तो MT में 134 kg का आता है। अच्छा, इसमें ब्रेकिंग कौन सी मिलती है आपको? इसमें आगे की तरफ जो है वेंटिलेटेड जो है डिस्क ब्रेक होते हैं। हाँ। और पीछे ड्रम ब्रेक्स होते हैं। अच्छा जैद, जैसे कि आपने बताया कि ये कार्बोरेटर है, ठीक है, अब जैसे अपन सब जानते हैं फ्यूल इंजेक्शन थोड़ा जो फ्यूल इंजेक्शन आता है वो थोड़ा सा रिलायबल होता है, इससे ज्यादा अच्छा होता है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, सिंपल इज दैट, अगर आप देखें तो कार्बोरेटर भी वैसे इतना बुरा नहीं है। वो कार्बोरेटर में होता क्या है कि फ्यूल और एयर जो होती है वो एक ही वे से अंदर एक ही वे से वॉल्व में चले जाते हैं, और FI भी अच्छा होता है। हाँ। बट ये कार्बोरेटर होने के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, तो दोनों आप बता देंगे हमको? बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ और कि जब आप थ्रोटल करते हैं यानी एक्सेलरेशन करते हैं, तो जो लिक्विड फ्यूल होता है वो उसको कंट्रोल नहीं करता है कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली उसके फ्लो को कंट्रोल नहीं करता है। अच्छा जैद भाई, जैसे कि आपने हमें ये बताया DTSI इंजन है, मैं बता देता हूँ आपको ये, तो इसके बारे में आपको कुछ पता है, बता सकते हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है DTSI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम, और क्योंकि DTSI इंजन जो है सबसे पहले बजाज में ही यूज हुआ था, बल्कि पल्सर में ही यूज हुआ था, बजाज पल्सर में, उसके बाद जो है इसको एवेंजर में यूज किया गया है। अच्छा, और इसकी हेल्प से सिग्निफिकेंट पावर बूस्ट आपको मिल जाता है। अच्छा, और इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है अगर आपको पता हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। नहीं नहीं ठीक है, आपने इतना बता दिया वही काफी है भाई।
अब जैसे जिसमें स्पार्क प्लग आते हैं, इसमें कितने स्पार्क प्लग आते हैं? इसमें दो स्पार्क प्लग आते हैं, दो स्पार्क प्लग आते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, और एक उस तरफ है। हाँ। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर इनमें से दोनों प्लग में से कोई एक खराब हो जाता है, हाँ, तो फिर आपको दोनों चेंज कराना पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। सिंगल चेंज नहीं होगा, दोनों ही दोनों को करवाना पड़ेगा। और अगर इसके और एडवांटेजेस की बात करें तो इसका लो एंड टॉर्क अच्छा मिलता है, पावर इनपुट अच्छा मिलता है, और ऐसा मेंशन करते हैं कि इसमें जो है एमिशन आपको कम मिलता है, यानी धुआं वगैरह नहीं छोड़ती है। बट कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है सर्दियों में कि गाड़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी देर धुआं छोड़ती है, और ये इसके साथ नहीं, अक्सर पल्सर के साथ प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। और जो है इसकी लाइफ बढ़ जाती है अगर आप बात करें एडवांटेजेस की, तो इन सब चीज़ों की वजह से। अब जैसे ये तो होगा एडवांटेज है ना, लेकिन आपने बताया था कि डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं, तो वो बताइए ना क्या हो सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्लग्स हैं, हाँ, उनकी प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि जब आप हाई स्पीडिंग करते हैं तो गाड़ी का इंजन जो है वो हीट अप करता है। अच्छा। जिसकी वजह से है ना उसकी पावर जो है कम हो जाती है। अच्छा। और तीसरा ये कि इंजन के वेयर एंड टेयर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका मेंटेनेंस भी हाई हो जाता है। अच्छा, तो जैद भाई एक बात मुझे बताइए, जैसे कि आपने खुद ने ये चीज़ मेंशन करी, नेगेटिव बताया पॉजिटिव, क्योंकि डिसएडवांटेज आपने खुद ने बताए, तो भाई इतने डिसएडवांटेज होने के बाद भी फिर आपने इसको क्यों रख रखा है 12 साल तक? भाई अलग ही मोहब्बत है इस गाड़ी से, क्योंकि अगर बात की जाए इसके पावर की तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत जल्दी पिकअप। टॉप स्पीड क्या जाती है ये? अभी तक मेरे पास इसकी टॉप स्पीड 130 ले जा चुका हूँ मैं। 130 ले गए हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, जैसे अभी मैं आपके साथ बैठ के आ रहा था जी, कम स्पीड पे भी काफी वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा था, थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है। और एक डिसएडवांटेज और मैं मेंशन करना भूल गया था, जैसे आप पीछे बैठे होंगे तो आपने ये फील किया होगा, ये चीज रहती है कि इसका सेटअप बहुत कंफर्टेबल है पहले तो, हाँ, बट जो पीछे की सीट है ना, जब इसमें कोई बैठता है तो आप देखें इसका स्लोप कैसा है। हाँ, क्योंकि तो मैं ना भाई देखो, नहीं मैं भी बोलूंगा, मैं बोलना चाहूंगा ये ना, ये जो एडवांस जो आप बता रहे हो सही चीज है, क्योंकि मैं पीछे बैठ के आ रहा था ना, तो आपकी तरफ बार बार आ रहा था, आप जरा सा भी ब्रेक लगा रहे थे ना तो फट से आपकी तरफ आ जा रहा था मैं। कोई भी मतलब कितनी अच्छी आप सीट का कवर लगवा ले, बट ये चीज होती है कि जो भी पर्सनालिटी होती है जो पीछे बैठा होता है वो सरक के आगे आ जाता है। और अगर इसकी ट्रिपलिंग की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके साथ, हाँ, इंडियन कंडीशन है तो ट्रिपलिंग तो अपन करते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं। ट्रिपलिंग में ये चीज होती है कि जो बीच में बैठता है पहले तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ बैठा है, समझ गया, लेकिन और उसके बाद जो ड्राइव कर रहा होता है ना उसको दिक्कत ही आती है कि वो बहुत आगे सरक जाता है, और जो है ये पोर्शन आप देखें तो ये बहुत हार्ड है, और एक लड़के होने के नाते बड़ा मुश्किल होता है उस कंडीशन में गाड़ी चलाना। सही बात बोल रहे हैं बात। तो देख भाई, जैसे कि अपन इससे पहले टॉप स्पीड की बात कर रहे थे, तो वाइब्रेशन कम स्पीड पे भी बहुत ज्यादा आ जाता है। जी हाँ। तो टॉप पे तो काफी ज्यादा फील होता होगा। बिल्कुल होता है। अब अच्छा। गाड़ी उस स्पीड में भाग रही हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये उस वक्त का मॉडल है 2011 का। उसके बाद फिर गाड़ियों ने अपग्रेड किया है, बहुत सारी चीजें कंपनी ने अपग्रेड की गाड़ी में, और जो है अब आप NS वगैरह भी चलाई हो अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो उसमें वो चीज फील नहीं होती, वो वाइब्रेशन फील नहीं होता, बट ये उस टाइम की गाड़ी है तो उस हिसाब से ऑब्वियस सी बात है कि फील हो सकता है। ओवरऑल की बात की जाए तो हो सकता है जो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस मैंने आपके साथ शेयर किए तो आपकी वीडियो के पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये गाड़ी बुरी है। हाँ। इसका फैन बेस ही अलग है। अच्छा। मतलब जो इसको पसंद करते हैं ना पल्सर को, हाँ, वो हमेशा इसको पसंद करते हैं। शायद आप जानते होंगे पल्सर स्टैंड मेनिया बहुत पहले आया था। हाँ। उसमें जो गाड़ी यूज की गई थी वो पल्सर ही थी, स्टैंड मेनिया जो इंडिया लेवल का स्टैंड मेनिया होता है, उसमें पहले सबसे पहले पल्सर यूज की जाती है। पल्सर ही अक्सर स्टैंड राइडर जो बने हैं आज बड़े बड़े वो पहले पल्सर ही यूज किया करते थे, पल्सर से जो है उन्होंने बड़े बड़े स्टैंड किया, आज आया उससे घूम रहे। अच्छा जैद भाई, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आपने बताया था कि मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई पड़ता है, तो फिर भी जनरल क्या मेंटेनेंस पड़ता है? अभी तक मेरा फिलहाल जो है नॉर्मल मेंटेनेंस जो मतलब नॉर्मल जो सर्विसिंग वगैरह कराते हैं वो अपना 1500-1700-2000 तक जाता है, लेकिन कभी काम निकल जाता है। हाँ। कभी अगर इसमें काम निकल जाता है तो फिर जेब अच्छी खासी भी खाली हो जाती है। अच्छा, अब आती है माइलेज की बात, तो सिटी और हाईवे दोनों पे माइलेज बताइए हमें कितना प्रोवाइड करके देती है? सिटी में अप्रोक्स ये 40 का दे देती है मुझे, सिटी में आराम से 40-42 को, और अगर हाईवे पे हम निकाल देते हैं तो 45-46 तक पहुंच जाती है। इतना माइलेज प्रोवाइड करके दे देती है 180 होने के बाद? बिल्कुल, क्योंकि इससे मैंने कई जगह सफर किया, मतलब मेरी सफर की अक्सर साथी रही है ये, महेंद्र वगैरह तो ऐसे मुंह उठा के चला जाता था इससे, सीहोर भी हम लोग अक्सर चाय वाय पीने या खाना वाना खाने चले गए, तो मतलब इस गाड़ी से आराम से कंफर्टेबली मैं कहीं भी जा सकता था, तो अच्छा इसने एवरेज मुझे दिया है। अच्छा। और मुझे कभी भी निराश नहीं किया कि दोस्तों यारों के साथ हैं, दोस्तों के साथ भले अच्छी गाड़ी हो, ड्यूक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गाड़ी उनको अच्छा खासा जो है कंपटीशन दे देती थी। अच्छा, एक बार आप इसका इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करके बताइए ना थोड़ा सा, देखते हैं भाई 11 साल बाद किस टाइप का साउंड निकाल के दे रही है। साइलेंसर वगैरह इसमें लगा हुआ है ये? तो ये तो ओरिजिनल है कि ये भी आपने चेंज कर? नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल साइलेंसर है पल्सर का, इसकी कंडीशन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस हिसाब से। चलिए स्टार्ट करिए इसको एक मिनट, एक्सेलरेट मत करिए, देखिए भाई बिना उसके इस तरीके का साउंड, आप एक्सेलरेट करिए
ऑफ कर दीजिए। तो मतलब साउंड ऐसा बहुत बेकार तो नहीं आ रहा अभी तक, अच्छा मेंटेन करके रखा है आपने। थोड़ा सा आपने जब सेल्फ लिया था तो हल्का सा सेल्फ का साउंड आया था थोड़ा सा। अच्छा सेल्फ की बात आई तो जैसे 11 साल हो गए, 11 साल में आपको सेल्फ की प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई? बिल्कुल आई है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि सेल्फ का कार्बन एक बार चला गया था, और क्योंकि इसमें किक नहीं होता है, अगर आप ध्यान देते। क्या बात कर रहे हैं, उस टाइम से किक नहीं आ रहा है इसमें? किक अरे नहीं रे हाँ। जो है पूरी ये सेल्फ पे डिपेंड होती है, तो फिर उसमें बस ये दिक्कत हो जाती है कभी जैसे कार्बन वगैरह चला जाता है सेल्फ का, तो फिर वो सेल्फ के बिना स्टार्ट भी नहीं होती। अच्छा, धक्का लगा के स्टार्ट की जाती है लुढ़का के गर्म करके। तो ये जो डेंट वगैरह दिख रहा है इसमें, ये हाँ। ये कैसे आया? तो ठुक गई होगी, एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ इसके साथ? वो एक आदमी का मैंने सर फोड़ दिया था इस पे, तब से ये डेंट हो गया। अरे मजाक कर रहा हूं। अरे यार वही मैं सोच रहा हूं भाई। एक्चुअली जब मैं सर्विस पे दी थी तो उन्होंने किसी चीज को इस पे रखा था, तो उस वजह से डेंट हो गया। तो मुझसे कह रहे थे मैं कर दूंगा, मैंने नहीं कोई बात नहीं अच्छा लगा। और टायर्स की अगर बात करें तो टायर आपने मतलब कितनी बार चेंज करा लिया 11 साल में? मैंने पहली बार अभी टायर चेंज कराया, ये वाला। 11 साल से वही टायर चला रहे थे आप? जी बिल्कुल। चल तो कितने किलोमीटर चला दिया आपने वैसे? ये मीटर में मेंशन नहीं हो पाएगा, बंद पड़ा है मीटर शायद, एक बार ऑन कर देते हैं। ये देखिए भाई, पुरानी पल्सर में भी एनालॉग मीटर ऐसा मिलता था। खैर इसका तो क्रेज ही अलग है, बात ही अलग है इसकी। एक किलोमीटर चली है बस। अरे तो खैर ट्रिप बता रहा नहीं, ओरिजिनल मतलब बताइए ना आप कितनी चल गई है। इसका जो मीटर बंद हुआ है कम से कम एक साल हो गया है, और जब मैंने उस टाइम इसकी रीडिंग नोट करी तब वो 90 के प्लस थी। 90 से ज्यादा, 90,000। अच्छा, एंड एक साल हो गया, और एक साल में मैंने काफी चलाई है क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो फिर मैंने बहुत ही अच्छे से चलाई है। तो अप्रोक्स ये समझ लीजिए कि एक क्रॉस कर गई होगी। 1,00,000 से ऊपर आपने चला दिए? अच्छा देश भाई, 1,00,000 से ऊपर जब चला दिया आपने, तो इंजन में तो काम नहीं कराया ना, कि इंजन भी आपने चेंज करा दिया? नहीं नहीं, इंजन में काम नहीं कराया, छोटे मोटे जो इंजन में काम आते रहते वो तो होते ही। बाकी हेड वगैरह कभी नहीं खुला आपका? कभी नहीं, हेड नहीं खुला अभी तक इसका? नहीं, नहीं, बिल्कुल मतलब वही चल रहा है, वही है, बस थोड़ी बहुत जो जनरल सर्विस होती रहती है वो होती रहती है। अच्छा, इसको हमेशा हम टाइम पे सर्विस करा लेते हैं, इस वजह से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा भाई एक बात मुझे बताइए, जैसे काफी चीजें डिस्कस कर ली, नेगेटिव पॉजिटिव सब डिस्कस कर ही लिया लगभग अपन ने, एंड में ये चीज बताइए मुझे, जैसे अपग्रेड क्यों नहीं करा आपने? 11-12 साल हो गए भाई। भाई 2011 में जब हमने गाड़ी ली थी तब अलल थलल थे पैसों के, और उस टाइम पे ये गाड़ी भी बहुत उठी हुई थी, उस टाइम पे लोग इसे खूब देखते थे। अलल्ले थलल्ले थे मतलब पैसा काफी था, बहुत काफी पैसा था। और अभी लॉकडाउन के वजह से थोड़ी हालत खराब है, इसलिए अपग्रेड नहीं करी। ये तो जोक था। हाँ। असल में मैं चाहता ही हूँ कि ये गाड़ी जब तक रहे मेरे पास अपनी कंडीशन पे ही रहे। हाँ। क्योंकि इससे लगाव ही ऐसा है, और ये गाड़ी जब भी आप देखेंगे ऐसी मिलेगी तो ऐसी खुशी होती है इसको देख के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं इस गाड़ी को रखूँ इसी कंडीशन पे रखूँ, ताकि जब भी लोग देखें तो उन्हें एक वो मिले कि यार गाड़ी रखी 2011 से, तो 2011 से लेकर अभी तक गाड़ी ऐसी की ऐसी है। अच्छा जैद, एक चीज मैं पूछना भूल गया था आपसे, जो मेन चीज होती है जैसे सस्पेंशन जो है इसके, जब से अभी तक सस्पेंशन आपने चेंज तो नहीं कराए? नहीं, ओरिजिनल रखे अभी तक? बिल्कुल ओरिजिनल है, इनकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ। अच्छा, और रेयर जो सस्पेंशन है ये नाइट्रॉक्स के हैं, 5-way एडजस्टेबल। 5-way एडजस्टेबल उस टाइम से आते थे? अच्छा, तो जो सस्पेंशन की जो फील है मतलब सॉफ्टर साइड है या फिर मतलब थोड़ा सा हार्ड है सस्पेंशन? मीडियम है, मतलब सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं कह सकते कि जैसे अब की जो गाड़ियाँ अपग्रेड हुई हैं उसमें बहुत सॉफ्ट है। हाँ। उसमें ज़्यादा पता नहीं चलते हैं, और हार्ड भी नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं कि उचक रहा हो इंसान गाड़ी। तो नॉर्मल है कि मतलब ऐसा है कि आप गाड़ी पे बैठो तो आपको फील मिलता है कि हाँ आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो। अच्छा सस्पेंशन, बिल्कुल अच्छा। तो जैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा रिव्यू हमें प्रोवाइड कराने के लिए। हाँ बिल्कुल, खैर ये तो मैंने आपकी वीडियो के लिए जो है डिसएडवांटेजेस के बताए हैं। हाँ। अदरवाइज मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे इसमें कोई चीज बुरी नहीं लगती। अच्छा, वो तो मैंने आपकी वीडियो के कंटेंट के लिए बता दिया। हाँ। कि जो नहीं, डिसएडवांटेजेस मतलब होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मन से बता दिया कि एक्चुअल में होते हैं। हाँ। बट मुझे दिल से पसंद है इसलिए मैं बुराई नहीं ढूंढ सकता इसमें। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है जैद भाई, थैंक यू सो मच फिर से इतना अच्छा रिव्यू हमें प्रोवाइड कराने के लिए। इसका एक्सपीरियंस शेयर करना भी जरूरी था, इतनी पुरानी अभी तक रखी हुई, लॉन्च हुई जब से अभी तक, तो कैसा क्या मामला था, तो कैसा क्या भाई ने रखी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। होप करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।